Hi Sheetal, how are you? Fine sir, how about you? I am also good. Sheetal, tell me something about yourself. Yes sir, I am Sheetal Nagar, living in Maryland. Basically I have done BCom honors from Dr. Bhimrao Ambedkar College. And then after that I have PPCB course. And at this time I am doing a job in SMC Global Securities. Okay, which year you have completed your graduation? Sir, in 2018. Yes, last year. So 2018 mein apne graduation karne ke baad kya socha, kyun ye PPCB course kyun apne pursue kara? Sir, actually graduation complete karne ke baad maine job dekhi, lekin mujhe wo utni achhi job nahi mili kyunki bahut normal like BPO wagaira ki job mil rahi thi, to main nahi chahti thi ki waise job karna. Main chahti thi ki ek aise field mein jaun jahan pe meri growth bahut achhi ho, jahan pe mujhe kuch seekhne ko mile. तो इसलिए मैंने फिर ये कोर्स करा. तो आपने जहाँ पे ज्वाइन किया, आपको लगता है यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी है? यस सर डेफिनेटली है. मतलब जो कंटेंट होते हैं ना यहाँ पे, सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस के दोनों, हम दोनों फील्ड्स में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं इस कोर्स को करके. आस्क एकेडमी जो आपने ज्वाइन किया था, जो ड्यूरेशन रहा आपके, क्या एक्सपीरियंस रहा एकेडमी में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. लाइक अगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा एक पॉइंट होता है. लाइक अगर हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज. एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस और नॉलेज ऑल्सो. क्योंकि मेरे को जब मैंने कोर्स करा था मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी. मैंने नॉलेज आती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है. हाँ एग्जैक्टली, तो वो नॉलेज नहीं थी मुझे. इवन जब मैं इंटरव्यू देने आई थी तब मैं बैंकिंग में जाना चाहती थी, लेकिन जब ये कोर्स करा तो मुझे और भी नॉलेज आई और सिक्योरिटीज के बारे में मैंने पढ़ा, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है और थोड़ा डिफरेंट हुआ, चेंज हुआ कि हाँ और भी फील्ड में मैं जा सकती हूँ. ओके, ये आस्क एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपने और कोई ऑप्शन सर्च किया हुआ और कोई इन्वेस्टिगेशन किया हुआ कि कहीं और किया जा सकता है, फिर और कोई कोर्सेस अवेलेबल है या नहीं इन द इंडस्ट्री, किया हुआ था आपने? हाँ जी सर, मैंने कोर्सेज मैंने सर्च करे थे. एक्चुअली मेरे को बैंकिंग एंड फाइनेंस ही कोर्स करना था, तो मैंने काफ़ी सारे कोर्स सर्च करे थे. काफ़ी सारी जगह भी मैंने मतलब काउंसलिंग वगैरह अटेंड करी थी, लेकिन वहाँ की फीस थोड़ी ज़्यादा हाई थी और कंटेंट उतना ज़्यादा मुझे सुटेबल नहीं लगा अपने लिए. सो दैट्स व्हाई. ओके, आस्क एकेडमी का जो एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, ये क्या ज़्यादा टफ है या फिर ठीक है, या फिर कोई कर सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या ओपिनियन आपके? नहीं सर, जो प्रोसेस है ना एडमिशन का, आई थिंक वो बिल्कुल परफेक्ट है. एटलीस्ट अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, उसको बेसिक नॉलेज होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तभी हम जो है उसको वो सारे नॉलेज दे पाएंगे फर्दर आगे, क्योंकि अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो फिर वो कोर्स कराने का फ़ायदा ही नहीं है. तो एटलीस्ट वो जो टू इंटरव्यूज होते हैं एंड देन वो रिटर्न टेस्ट भी होता है, तो बहुत अच्छा प्रोसेस है. ये प्रोग्राम करके आपको लगा आपके लाइफ में कुछ एनहांसमेंट यानी करियर एनहांसमेंट हो सकता है ऐसा कुछ प्रोग्राम? हाँ जी सर, बिल्कुल मुझे लगा और हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि अभी मैं जैसे जॉब कर रही हूँ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज में, बहुत अच्छी कंपनी है और आस्क अकेडमी के थ्रू ही वो लगी है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ये कोर्स आप अपने किसी फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे? यस सर डेफिनेटली, और मैंने रिकमेंड करा भी है और भी मेरे फ्रेंड्स को, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म कोर्स है. जो हम वैसे अगर हम देखा जाए कि किसी भी और जगह जाते हैं तो 6 मंथ का, 1 ईयर, 2 ईयर्स के ये कोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है. टाइम ड्यूरेशन भी, यस टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है, तो 3 मंथ्स में अच्छे कंटेंट्स, मटेरियल ऑफ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे. तो आस्क एकेडमी का ऐसा कोई 3 एरिया बताइए जो आपको प्रभावित किया हो, यानी कि आपके हिसाब से सही है ये 3 एरियाज जो है. सर सबसे पहले जी फैकल्टीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. कभी भी जो है मना नहीं करते कि हाँ नहीं बताएंगे, लाइक बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं और मैटर जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है यहाँ का, लाइक मैंने PPCB कोर्स कराया है तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा लिया है. तो ये कंटेंट्स एंड फैकल्टीज. कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा आपका?
मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो और क्योंकि डेफिनेटली प्लेसमेंट आपकी होगी, तो इस उसमें मतलब ये चीज़ ब्लाइंडली मत सोचो कि आपकी जॉब लगेगी. जॉब लग जाएगी लेकिन आपको कोर्स के साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी. विदाउट मेहनत कुछ नहीं होगा. हाँ, करना ही पड़ेगा अदरवाइज. क्लास के साथ साथ वो हार्डवर्क भी करना इम्पोर्टेंट है. ओके शीतल, नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर.